क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम संगम सिंह यादव। संगम सिंह यादव, कितने साल के बेटा आप? मैं 13 साल। 13 साल के हो, क्या डाल रहे हो आप मछलियों को? दाना डाल रहे हो। इस दाना डालने से क्या होगा? दाना डालने से जो हमारे ग्रह होते हैं, जो हमारे ग्रह बुरे चल रहे होते हैं जी, वो कट जाते हैं। कट जाते हैं। तो मछलियों को दाना डालने जो पाप किए हैं वो कट जाते हैं। जी जी जी। बेटा आप पढ़ते कितने में हो? हम प्रथमा प्रथम खंड कक्षा 6। आप गुरुकुल में पढ़ते हो? जी जी। अच्छा, तो गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो ये बताइए मुझे राम जी के पिताजी का नाम क्या है? राम जी के पिता का नाम दशरथ। दशरथ। अच्छा, हमारे धर्म का नाम क्या है? हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म। सनातन धर्म। सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म का मतलब है कि जो सदा रहने वाला है, जिसका कभी अंत ना हो। अरे हो, क्या बात, क्या बात है बेटा। ये जो तुमने माला पहन रखी, कौन कौन सी माला पहन रखी है आपने? ये सब ये तुलसी माला है, ये वैजयंती माला। ये वैजयंती माला है। तो बेटा आपके माता पिता? माता नहीं है लेकिन पिता है। पिता है। माता कब चले गई आपकी छोड़ करके? माता जब हम 5 साल के थे। 5 साल के थे तब आपको माता जी छोड़ के चले गई। तो अच्छा, आपको ये बताइए श्रीमद् भागवत गीता याद है? हाँ याद है। अच्छा, कोई एक मंत्र सुना दीजिए, एक श्लोक सुनाइए। एक श्लोक सुना दीजिए, सॉरी। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हेतवे तापत्रे विनाशाय तस्मे श्री गुरुवे नमः। अरे वाह। अच्छा, इसका अर्थ याद है आपको? इसका पता अर्थ? हाँ है। पता है तो बताइए। यानी अखंडानंद बोधाय, हम अखंडानंद जो हमारे गुरु जी हैं, अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप, शिष्य के संताप दूर करो, शिष्य संताप हरण ताप तेरे विनाश आए तस्मे श्री गुरुवे नमः। गुरु को हम प्रणाम करते हैं। बेटा ये बताइए, संसार में सबसे बड़ा कौन है? संसार में सबसे बड़ा माता पिता। अरे कितना सुंदर भैया। एक चीज और, सॉरी संत महाराज जी, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् गीता में अंतर मालूम है आपको? जी बताएंगे। श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान के चरित्र है, जिसमें भगवान जिसमें अपनी लीलाएं दिखाते हैं, और जो श्रीमद् गीता है वो भगवान जिसमें अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन कर्म कर, जो कर्तव्य कर्म है उसे कर, कर्योदित कर्म कर। वाह वाह, बहुत अच्छा। ये देखिए दोस्तों, हमें एक छोटा सा बालक है जो शास्त्री कर रहा है, कोई इनको चारा बनाता है गंगा नदी में, कोई इनको चारा बनाता है मछलियों को, और कोई इनको चारा देता है। यही सनातन धर्म की संस्कृति है। देखिए बेटा ये बताइए, आप कितने साल के हो गए अब? हम 13 साल। 13 साल के। तो आप करना क्या चाहते हैं? अब हम शास्त्री बनना चाहते हैं। शास्त्री बनना चाहते हैं। अच्छा, आप शास्त्री क्यों बनना चाहते हैं? कथा वगैरह क्यों कहना चाहते हैं आप? क्योंकि भगवान का चरित्र ऐसा है कि उसमें हो जाना बहुत अच्छा रहता है, कल्याण हो जाता है। अच्छा, आपको इतने छोटे हो, आपको ज्ञान बढ़ा है। आप कब से गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हो? हमको 6-7 महीने हो जाए। 6-7 महीने इतना ज्ञान। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखिए दोस्तों, गंगा किनारे यह बालक हमको मिला है। मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कार दे। अगर आपने अपने बालक को संस्कार नहीं दिए ना, तो याद रखिए आपको दुख तो झेल नहीं पड़ेंगे। सबसे बड़ा है संस्कार देना। क्यों बेटा? जी। अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि नहीं? जी, जी, जी। क्यों देना चाहिए संस्कार? क्यों, वो आगे चलकर हमको वैसा ही जैसा आप बताओगे वैसा ही आपके साथ करेंगे। अरे सुंदर। आप बोलते हैं ना कि हमारा बेटा ऐसा निकला ऐसा निकला, जी, जब जी। उसने तुमने उनको संस्कार ही नहीं दिए तो वो तो निकलेगा। क्यों बेटा? जी जी जी। आप माता पिता का सेवा वो करते हो कि नहीं? सेवा करते हो कि नहीं? जी जी। आप लोगों को बता रहे हो कि माता पिता सबसे बड़े हैं, खुद ही बताया कि माता पिता सबसे बड़े हैं। दोस्तों आप एक गंगा का तट पर एक बच्चा मिला है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन बेटा, ये दक्षिणा तो आपकी बनती है। मैं निवेदन करूंगा कि बहुत से लोग जो कहते हैं ना कि कॉन्वेंट स्कूलों में जो बहुत पढ़ाई अच्छी है, लेकिन आप देख सकते हैं कॉन्वेंट स्कूल में आपको जो है पढ़ाई अच्छी मिल सकती है, ज्ञान ही सबसे बड़ा। संस्कार आपको नहीं मिल सकते। उम्र से नहीं, ज्ञान से बड़ा होता है। मैं उम्र से बड़ा हूँ पर ज्ञान में छोटा हूँ आपसे, क्योंकि ज्ञान आपको ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ना जाने किस रूप में नारायण महाराज जी दक्षिणा नहीं ले रहे थे।